सबने अपने अपने इल्यूजन्स के अलग अलग चश्मे लगाए हुए हैं, इसीलिए एक ही सिचुएशन हर इंसान को अलग अलग तरीके से दिख रही है। एक आदमी चाहे, एक आदमी तो पूरी की पूरी दुनिया की रियलिटी बदल सकता है अपने इल्यूजन से। जिस दिन आपने खुल करके अपनी जिंदगी को जी लिया, वही ओकेजन है, बाकी सब सिर्फ डेट्स हैं कैलेंडर के अंदर। सिर्फ इल्यूजन बनाने से कुछ नहीं होने वाला, उस पर फोकस करना पड़ेगा। जो विनर है, जो जीतेगा, वो एक बार नहीं हजार बार गिरेगा और खड़ा होकर के बोलेगा कि मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। अगर ये दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो, उसमें कुछ ऐसा कर जाऊं, कुछ भी, के जानने के बावजूद भी कि मैं कल सुबह नहीं उठने वाला, फिर भी आज रात को चैन से सो सकूं। ये जो मैं अभी कर रहा हूं, इस काम को करने के लिए मैं अपनी कोई भी चीज गंवाने को तैयार हूं। अगर पूरी दुनिया मुझे ये कहती है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी हाथ की लकीरों में ही कमी है, तो क्यों मैं अपनी हाथ की लकीरों को नहीं बदल सकता? वो दिन दूर नहीं है जब आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी अपना कुछ भी खोने का डर नहीं होगा। चाहे आपके रास्ते में एक मुश्किल आए या हजार आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे एक आदमी आकर के आपको रोकने की कोशिश करे या एक लाख लोग आकर के आपके सामने खड़े हो जाएं, अरे आपको रोकना तो दूर, किसी में इतना दम भी नहीं होगा कि वो आपको हिला भी सके। यू विल बी अनस्टॉपेबल। एक लड़का है जिसके अंदर दो डिजायर्स हैं। पहला कि मुझे एक्टर बनना है, और दूसरा मुझे सेकेंड हैंड कंप्यूटर्स का काम करना है, क्योंकि बचपन से ही मुझे कंप्यूटर्स में बहुत इंटरेस्ट रहा है। अब इन दोनों में से वो किसको चुनेगा? फीलिंग्स हीरो बनने में ज्यादा बढ़िया है, फीलिंग्स सेकेंड हैंड कंप्यूटर के काम में थोड़ी सी खराब है। वो चला गया ऑडिशंस देने के लिए, और वहां जाकर के क्या हुआ? ब्लैंक हो गया। उसने क्या एक्सपीरियंस किया? फेलियर। उसे समझ आ गया कि एक्टिंग मेरे लिए नहीं है, और उसने ठान लिया कि अब मैं सेकेंड हैंड कंप्यूटर्स का ही काम करूंगा, और अब वो जा करके जितने भी कबाड़ी हैं उनसे सेकेंड हैंड कंप्यूटर्स खरीद रहा है। उसके घर वालों ने कहा, तो तू कबाड़ी का काम करना चाहता है? लेकिन उसने हार नहीं मानी। तो अब क्या चांसेस हैं उसके सक्सेसफुल होने के? आज के इस सेशन का मकसद ये है कि मेडिटेशन को बिल्कुल आसान बना दिया जाए, सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, सबके लिए। जहां भी कोई कोशिश करी किसी ने भी मेडिटेशन करने की या मेडिटेशन में कुछ भी करने की, आप समझ जाओगे आप उस मूवमेंट से हट गए, आप इमेजिनेशन में चले गए। मेडिटेशन एक रास्ता है
सिर्फ ये समझने का कि किस तरीके से इस पास्ट को और फ्यूचर को छोड़ना है जिसकी पकड़ में अभी हम हैं, और जब चाहे अपनी मर्जी से इसको पकड़ना है। आप कुछ भी पा सकते हो, कोई चीज भी इम्पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई चीज आपके बाहर है ही नहीं, और कुछ भी खो सकते हो क्योंकि खोने के बाद भी जिसको पाओगे उसके अंदर ही सब कुछ। जब भी आप खुश होने की कोशिश करोगे किसी भी जरिए से, चाहे वो जरिया मेडिटेशन हो चाहे कुछ और हो, आप खुशी से दूर हो। जब आप कुछ भी कोशिश नहीं कर रहे आप खुश हो। जब भी आपको कुछ करने से अटैचमेंट हो गई या कुछ ना करने से अटैचमेंट हो गई, आप समझ जाओ आप गलत रहे। ये मत देखो कि मैं क्या कह रहा हूं, उसको पकड़ो मत, उसको एनालाइज मत करो बैठ करके, सिर्फ ये समझने की कोशिश करो कि मैं इशारा किस तरफ। एक ऐसा रास्ता है जिस पर चल करके गारंटीड सक्सेस है। कोई भी ऐसा काम जो आप अपने पूरे दिल से करना चाहते हैं और उस काम को कर लें तो वो क्या है? सक्सेस है। और उस काम को ना कर पाए मरते दम तक तो वो क्या है? फेलियर। अपने माइंड को पूरी तरह से एक जगह पर रखना है और बड़ी से बड़ी मुश्किल आ रही है उसको बिना डर के फेस करना है। ये चीजें कहां से आएंगी? अगर बोरिंग जगह पर हमको अपने माइंड को टिकाना आ गया तो इंटरेस्टिंग जगह पर टिकाना तो खेल है। हाय, जिंदगी में तीन रास्ते हैं और इन तीन रास्तों में से आप किस रास्ते पर चलोगे वो चॉइस सिर्फ आपकी है। जिस नजर से आप इस दुनिया को देखोगे ये दुनिया बिल्कुल आपको वैसी ही दिखेगी। अरे मिलेगा भाई, इतना मिलेगा जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। अगर मेरा ये सेशन आप देख रहे हो, इसमें हजार बातें मैं करने वाला हूं, इसमें से अगर आपने दो बातें भी प्रैक्टिस कर ली कुछ बदलेगा ना? आपकी सारी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसकी जड़ क्या है? माइंड है। अगर मैं माइंड की बात करूं तो बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन अगर वही इंस्ट्रूमेंट आपके ऊपर हावी हो जाए तो क्या होगा? बहुत बुरा है। हमारा जो माइंड है वो कंप्यूटर की तरह है, जिसमें एट अ टाइम हजारों लाखों एप्लीकेशन चल रही है। एप्लीकेशन कहीं जाती नहीं है, पड़ी रहती है। जैसे ही आपको उनके साथ में कॉन्टैक्ट होता है वो वापस से खुल जाती है। क्या अगर ब्रेकअप हो गया तो ये मत समझो कि आपका पीछा छूट गया आपकी गर्लफ्रेंड से, 5 साल बाद भी दोबारा दिखेगी तो सब याद आ जाएगा। इमेजिन करो एक कंप्यूटर है जिसके अंदर बहुत कचरा भरा हुआ है, टेम्प फाइल्स होती हैं जो हम डिलीट करते हैं जा करके। इससे हमको क्या समझ आता है कि कोई भी कंप्यूटर में जितनी फ्री स्पेस होगी वो उतना ही अच्छे से काम कर पाए। इसी तरह से हमारा माइंड, कि अगर किसी तरह से आपको इन टेम्प फाइल्स को उठा उठा करके हटाना आ जाए तो क्या होगा? आपकी एफिशिएंसी लाखों करोड़ों गुना बढ़ जाए। लोग मैं देख रहा हूं जो स्पेशली जो एज में थोड़े से ज्यादा है वो ऐसे हो गए मेरी ये बात। अरे भाई ये क्या बोल दिया, SEX, ये वर्ड कहां से मुंह से बाहर आ गया?
सेक्स में मजा है या नहीं है? शर्म नहीं आ रही पब्लिक में? यस। अरे बहुत मजा है, कौन कहता है मजा नहीं है? कौन कहता है मजा नहीं है? और अगर मजा नहीं होता तो हमारे देश की 125 करोड़ की आबादी कैसे होती? लोग कर क्या रहे हैं? एक स्टूडेंट की लाइफ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। स्टूडेंट्स की हिम्मत नहीं हो रही है बात बोलने की यहां पर, क्योंकि बहुत सारे और भी लोग बैठे हुए हैं। लेकिन जड़ क्या है प्रॉब्लम की, मैं वो समझ सकता हूं क्योंकि मैं उस फेज से निकल चुका हूं। मैं कोई 50 साल पुराना आदमी नहीं हूं। अरे भाई मैं समझ सकता हूं आपके ऊपर क्या बीत रही है, मैं समझ सकता हूं कि साइंटिफिकली जब हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो क्या होता है। इस प्रॉब्लम के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। पेरेंट्स कह रहे हैं पढ़ो, टीचर्स कह रहे हैं पढ़ो, कोई ये नहीं बता रहा कि यहां से अपना ध्यान कैसे हटाएं, कैसे हटाएं। अब वो भी क्या बताएंगे, वो खुद अपना ध्यान नहीं हटा पाए वहां से। ये पावर इतनी बड़ी है कि इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसको रोका नहीं जा सकता, इसकी डायरेक्शंस को चेंज किया जा सकता है, माइंड की एनर्जीज को कहीं और लगाया जा सकता है। आप इमेजिन करो एक क्रिकेट का मैच चल रहा है, आप यहां पर बैटिंग कर रहे हो, ये लाइफ का गेम है, क्रिकेट का गेम नहीं है, क्रिकेट से रिलेटेड है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन ये जिंदगी है। आप यहां पर बैटिंग कर रहे हो, पीछे कोई विकेट्स नहीं है, कोई विकेट कीपर नहीं है, कोई और प्लेयर्स नहीं है, सामने से लाइफ है, जिंदगी है जो एक के बाद एक बॉल फेंकती चली जा रही है। बॉल आ रही है, एक बॉल आई, आपने बैट घुमाया, वो बॉल छूट गई, पीछे निकल गई। अब आप क्या करोगे? ये गेम ऐसी है जहां पर मैंने आपको कहा ना, कोई विकेट्स नहीं है, कोई और प्लेयर नहीं है, मतलब कि आप चाहो भी तो इस जिंदगी के खेल में आउट नहीं हो सकते तब तक जब तक कि आप मैदान को छोड़ करके भाग नहीं जाते। दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती अगर आप पिच पे डटे रहो। लाइफ का सिर्फ एक काम है, वो एक के बाद एक बॉल फेंकती चली जाएगी। ये बॉल्स क्या है? अपॉर्चुनिटीज है। कोई छोटी अपॉर्चुनिटी है, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसको आप बड़ा समझ रहे हो वो छोटी है, और जिसको छोटा समझ रहे हो कई बार वो बड़ी होती है। तो फिर करना क्या है? पिच पे डटे रहना है। एक बॉल निकल गई, कोई बात नहीं भाई, शॉट लग जाता तो बढ़िया था, नहीं लगा और बढ़िया है, कोई दूसरी बॉल आ रही है, देखो खेलो, अपना ध्यान पिच के ऊपर रखो, लाइफ की तरफ रखो, दोबारा एक अपॉर्चुनिटी आ रही है। फिर आपने बैट घुमाया, फिर मिस हो गई, दूसरी अपॉर्चुनिटी भी मिस। दुनिया की नजर में आप फेल हो रहे हो, लेकिन आप डटे हुए, आपको खेल समझ आ गया है जिंदगी का, आपको समझ आ गया है कि एक इवेंट में फेल होने की वजह से लाइफ में फेल नहीं होते। एक इवेंट का एंड लाइफ का एंड नहीं है भाई, लाइफ के अंदर हजारों लाखों इवेंट्स आने वाले हैं। और एक एक करके बॉल आ रही है, तीसरी बॉल आई, बैट घुमाया, फिर मिस हो गई, चौथी बॉल आई, बैट घुमाया, फिर मिस हो गई, पांचवी बॉल आई, फिर बैट घुमाया, फिर मिस हो गई, छठी बॉल आई, आगे बढ़े, लिया छक्का। एक ही बॉल में उन पांच बॉल्स की कसर पूरी, सारा खेल पलट जाएगा एक दिन के अंदर अंदर, एक दिन, एक दिन। क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं भगवान हूं? अगर अभी मैं अपने यहां पर एक सर्कल क्रिएट कर दूं अपने पीछे,
क्या होगा? मान जाओ कि हाँ ये शायद सच बोल रहा है। तैयार हो जाओ। एक ऐसा रास्ता है जिस पर चल करके गारंटीड सक्सेस है। अगर आपके अंदर लड़ने की स्पिरिट है, तो आप जीत लोगे। अरे जो सोए हुए हो, डरे हुए हो, बैठे हुए हो, उठो, अरे हो, आगे बढ़ो। सारा खेल पलट जाएगा एक दिन के अंदर अंदर, मेरा मिशन क्या है कि इंडिया के अंदर और इस पूरे वर्ल्ड के अंदर मान लिया 1000 बजे हैं जिस वजह से आप नहीं कर पा रहे, अरे 1 बजे तो ढूंढ लो जिस वजह से आप कर सकते हो। जब डिजायर चूज करना ही है तो बड़े से बड़ा चूज करो ना, बड़े से बड़ा। अरे मिलेगा भाई, इतना मिलेगा जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। खिलाड़ी जो बनो अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी जो बनो। हम उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास में नहीं है और हम चाहते हैं तो हमारी किस्मत पूरी होती है, और जब हम उन चीजों की तरह देखते हैं जो हमारे पास में है उस मोमेंट में हमारी किस्मत अच्छी होती है। जो कर्म आपको अंदर से स्ट्रांग करता है वो अच्छा कर्म है, जो अंदर से आपको वीक करता है, कमजोर करता है, वो सब बुरे कर्म। अभी अगर आप लोग अपने खुद के कमिटमेंट्स पूरे नहीं कर पा रहे तो किसी और को दिए हुए कमिटमेंट आप कैसे पूरे करोगे। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि आपको खुद की नजरों में उठना है। जो इंसान खुद की नजरों में उठ गया तो दुनिया की नजरों में तो अपने आप ही उठ जाएगा। तो मैं करना चाहता हूं, चाहे उसको करने में कितना भी दर्द क्यों ना हो, उस दर्द को सहने के लिए अगर इस दुनिया में कोई भी काम है जो आप दिल से करना चाहते हो उस काम को, इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान है जो कर रहा है, तो आप भी खेल खेल में उस काम को कर सकते हो। जिसका डिजायर जितना बड़ा है उसकी सक्सेस उतनी बड़ी है। चाहो भी तो इस जिंदगी के खेल में आउट नहीं हो सकते तब तक जब तक आप मैदान को छोड़ करके भाग नहीं जाते। अंदर से सिर्फ एक चीज बोलते रहना है, मुझे कुछ करना है। जिस दिन आ गया ना कि मुझे कुछ करना है और वो करना भी आसान है, अरे तो कौन रोकेगा आपको भाई? सोचो, बढ़ो आगे। मेरा टाइम गया, आपका टाइम शुरू।
आपका पूरा फ्यूचर उस एक डिसीजन पर डिपेंड करने वाला है। तो उसमें आप क्या चॉइस लोगे? गलत चॉइस ले ली, फंस गए। सही चॉइस ले ली, जिंदगी बदल गई। एक तरफ है जो आप करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, और दूसरी तरफ है जो ये दुनिया आपसे करवाना चाहती है, आपसे करवाना चाहती है। इस इंसान में ये करेज नहीं है कि मैं अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन खुद ले सकूं। वो जिंदगी में क्या करेगा, वो जिंदगी में क्या करेगा? मान लो एक्सट्रीम केस में मारा भी, आपको हंटरों से मारा, जूतों से मारा, चप्पलों से मारा। एक तरफ है 5 मिनट की मार, एक तरफ है जिंदगी भर मरवाते रहोगे। समझो। आपके घर वाले आपके पीछे पड़े हैं, बेटा कोटा जाओ, कोटा जाओ तैयारी के लिए, आईआईटी में एडमिशन लेना ही लेना है तुम्हें। और आप कह रहे हो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई, मुझे फैशन डिजाइनिंग करनी है। मैंने कहा चल ठीक है, जा जो करना है कर। आप करने लग गए, पहला साल हो गया, दूसरा साल हो गया, तीसरे साल में फेल हो गया। इस फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए क्या चाहिए भाई? क्या चाहिए, क्या चाहिए? फेल होने के बाद भी मेरे अंदर ये करेज है कि मैं आगे बढ़ता रहूंगा, मैं हार नहीं मान रहा। तो अगर इतनी बुरी सिचुएशन से जब मैं ऊपर उठूंगा तो मैं क्या होऊंगा?